बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। हमारी उर्दू की क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू का गुलदस्ता तीसरा एडिशन, गुले लाला, पांचवी जमात के लिए, जो कि हम पहले शुरू कर चुके हैं। सो बच्चों, आज हम इसका पढ़ेंगे सबक नंबर 3, बेटे से मोहब्बत, सफ़ा नंबर 10 पर। आप अपनी किताब खोल दीजिए। सो आज हम इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। आपने अपनी किताब खोलनी है और अपना पेंसिल जो है वो अपने पास रखना है, ताकि आप आसानी से ऐसे लफ्ज़ों को अंडरलाइन कर सकें जो आपको समझ में नहीं आते। ठीक हो गया? सो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। बेटे से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिलाने के लिए उन्हें उम्मे बरदा खोला के सुपुर्द किया। वो मदीने की एक नवाही बस्ती में रहती थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वहाँ जाते, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में लेते और प्यार करते। अच्छा जी, यहाँ से क्या पता चला? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अच्छा यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलग हैं और ये वो एक पैगम्बर थे, और हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दूध पिलाने के लिए किसके यहाँ भेजा? उम्मे बरदा खोला के यहाँ, जो कहाँ रहती थी? मदीने की एक नवाही बस्ती में रहती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी शेर ख्वार ही थे कि बीमार हो गए। शेर ख्वार यानी कि दूध पीता बच्चा, ठीक है, बहुत छोटे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर हुई तो वो इन्हें देखने गए। इस वक्त हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हालत बहुत ख़राब थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो आंखों से आंसू जारी हो गए। बीमारी के बायस हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, हम तुम्हारी मौत से गमगीन हैं। आँख रोती है, दिल उदास है, लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे जो नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक मिसाल से, उनकी लाइफ की एक मिसाल से हमें समझाया गया कि उनके बेटे जो हैं हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब होता है जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हुआ, ठीक है। सो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो अभी छोटे थे, उनको दूध पिलाने के लिए उम्मे बरदा खोला के यहाँ जो है भेजा गया और उनको ख़बर मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली, वो बहुत छोटे बच्चे थे, दूध पीते बच्चे थे, और ख़बर मिली कि वो बहुत बीमार हैं। जब आप देखने के लिए गए तो आपको बहुत दुख हुआ, जैसे आपके पेरेंट्स अगर आप बीमार हों तो उन्हें बहुत परेशानी हो जाती है ना, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और इसी बीमारी के असना में जो है हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उनका इंतकाल हो गया, वो फौत हो गए। तो रसूल सल्लम ने फरमाया कि हमें तुम्हारी मौत पे गम ज़रूर है, लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं कहते कि जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हों। तो सो बच्चों, यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि जब हमसे कोई हमारी फेवरेट चीज़ छिन जाती है तो हम उसमें ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं बोलते कि जी ये क्यों चली गई, ये अल्लाह ताला ने अच्छा नहीं किया, हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ। सो अल्लाह ताला जो भी चाहते हैं ना, हमारे लिए अच्छा चाहते हैं। सो ऐसी किसी भी मुसीबत के वक्त हमने मुंह से ऐसा कोई अल्फाज नहीं निकालना, कोई लफ्ज़ नहीं निकालना हज़रत जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी हो। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुपुर्द खाक करने और कब्र पर पानी छिड़कने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के सरहाने खड़े हुए और वही बात दोहराई जो पहले कही थी। अच्छा, सुपुर्द खाक करना, दफना देना, मिट्टी के हवाले कर देना, और पानी छिड़कना यानी कि वो जैसे होता है ना, कब्र बनाते हैं उस पर मिट्टी वगैरह डालते हैं और फिर उस पर थोड़ा पानी का छिड़काव कर देते हैं उसकी एडजस्टमेंट के लिए। तो आप फिर उनके कब्र की सराहने वाली साइड पे खड़े हो और फिर पहले वाली बात कही, है मेरे बेटे, क़यामत के दिन जब तुमसे सवाल हुआ तो कहना कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और मेरे बाप अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सो उन्होंने पहले तो वही बात कही कि हम ऐसी कोई बात मुंह से नहीं निकालते जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हों, और फिर दूसरी बात क्या कही कि है मेरे बेटे, जब तुमसे सवाल किया जाए तो कहना कि मेरा रब अल्लाह है। यहाँ से क्या पता चला कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा दीन इस्लाम है, और मेरे बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इनके हमें भी ये बात माननी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। सो
अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपके कुछ अल्फाज मानी हैं, नवाही बस्ती मज़ाफात यानी कि करीब ही, ठीक है, यानी कि मदीने के करीब ही बस्ती थी। हालत ख़राब होना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होना। सरहाने सर की तरफ, ये आपने याद करने हैं। आंसू जारी होना, आँख से आंसू बहना। सुपुर्द खाक ज़मीन में दफन करना। शेर ख्वार दूध पीता बच्चा। खुशखती है, आपने इसको एज इट इज़ ट्रेस करना है। और आपको बाकी का जो आपका बुक वर्क है वो आपको मैनुअल की सूरत में दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।